देश ने दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जी करते हैं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, उस विशाल परिवार में हमारे ही पूर्व मंत्री आदरणीय देवी सिंह जी भाटी साहब का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं भारतीय जनता पार्टी इस परिवार में। भाई बागचंद जी टाका जो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो लंबे समय से शिक्षाविद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, माननीय श्रवण चौधरी जी उनका भी मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और डॉक्टर साहब आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। आप सभी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा को स्वीकारते हुए आज पार्टी को ज्वाइन किए। आप सबके ज्वाइनिंग करने से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश और मजबूत हुई है। 2023 में भी ऐतिहासिक विजय होगी, 2024 में भी सभी भारतीय जनता पार्टी जीत के मोदी जी की झोली में डालेगी। राजेंद्र राठौर जी, संख्या में लोग आए हैं और आज जो शख्सियत आई है आदरणीय देवी सिंह जी भाटी, हमारे बीकानेर डिवीजन में सशक्त हस्ताक्षर है प्रतिपक्ष की राजनीति के, और शिक्षा के क्षेत्र में सीएलसी का नाम हम सब जानते हैं, और श्रवण जी, भागचंद जी और डॉक्टर रणवा इनका स्वागत है। और मैं तो ये कहूंगा आप कांग्रेस का ना तो कल्चर बचा है ना कांग्रेस के पास वर्कर बचा है। कांग्रेस विज्ञापन की पार्टी बनके रह गई है, डिजाइन बॉक्स के विज्ञापनों से कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस का जाना तय है, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मान लिया कि राजस्थान में कांग्रेस के दिल लग गए हैं। इसलिए हम सब लोग जो आज इस मुहिम में जुटे हैं, इस फर्श और निकम्मी सरकार को विदा देने के लिए, वोट की चोट से इस सरकार को समाप्त करने के लिए हम सब लोग लगेंगे। आज हमारे उसी मुहिम के अंदर हमारे चार साथी और जुड़े हैं, सबका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सड़कों पर उतरेंगे जोश के साथ और ये तय कर लेंगे चुनाव से पहले ही आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में शासन आएगा। इसलिए कोई मुझे ज्यादा तो बोलना है नहीं, वैसे बोलता रहता हूं तो पूछना चाहे तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं।